लोक रक्षक सेवा समिति। मेरा नाम है पृथ्वी भट्ट, मैं लोक रक्षक सेवा समिति का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी संस्था का मूल उद्देश्य यही है कि पुलिस कर्मचारियों की सेवा, उसके परिवार के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्कर्ष, ये सब कामों के लिए हमारी संस्था पिछले 1.5 साल से कार्यरत है। हमारी संस्था ने पिछले 1.5 साल में काफ़ी सारे तकरीबन 17 कार्यक्रम किए हैं जो पुलिस के वेलफेयर को लगते हैं। उसके साथ साथ आज जो हम लोग पेपर में सुबह में पढ़ते हैं कि भाई इसका बच्चा गुम हो गया है, ये बच्चे खो गया है, उसके साथ साथ कि भाई आज नकली पुलिस है, यहाँ पे कोई वृद्धा के गहने लूट लिए, कोई चेन स्नेचर ने रास्ते पे जाती कोई लड़की या किसी औरत की चेन तोड़ ली, कोई ठग तोड़ के ने लोगों को उल्लू बना के उनके पास से उनका कीमती सामान चुरा लिया, ऐसा किस्सा हम लोग रोज सुबह में पढ़ते हैं। हमारी संस्था ने सोचा कि ये सब किस्सों के लिए क्या करना चाहिए, जागरूकता करनी चाहिए, सबको एक साथ होना चाहिए, एकजुट होके अगर सब लोग ये कार्यक्रम के लिए, ये सब जो क्राइम हो रहे हैं उसके लिए अगर आवाज उठाएंगे तो हम 100% हमको इसका फायदा होगा। तो ये सोच के संस्था ने हेल्प एंड सेव मी नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। 20 मिनट की ये फिल्म है। ये फिल्म का बेसिक यही है कि ये फिल्म के अंदर नकली पुलिस की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और चेन स्नेचर की मोडस ऑपरेंडी दिखाई गई है। कैसे ये लोग नकली पुलिस बन के लोगों को लूटते हैं, कैसे चेन स्नेचर आती जाती औरतें, लड़कियों या फिर कोई भी आम आदमी की चेन, मोबाइल जैसी अन्य चीजें चुरा के ले जाते हैं, ये सबको दिखाने का हमारा एक ही कारण है कि पब्लिक समझे, जागरूकता है कि भाई ये सब गुनाह जो बनते हैं वही ये तरीके से बनते हैं, तो हमको ये सब गुनाहों को रोकने के लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको एक होना पड़ेगा। क्योंकि आज क्या है, आज सबकी एक ही मेंटेलिटी है कि भाई आपकी चेन टूटी ना तो मुझे क्या लेने लगा, नकली पुलिस ने कोई और औरत को उसके